हमने कढ़ाई में पानी गर्म करने के लिए रखा है। आज हम बनाने जा रहे हैं फरे। हम इसे ढक देंगे जिससे कि अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। ये देखिए, मैंने आटा गूंथ लिया है और इधर रहा चने की दाल, जिसमें हरी धनिया, हरी मिर्च और थोड़े से दो चार कली लहसुन के हैं। मैंने इसे सिलवट पे पीस लिया है। इसी से मैं फारा बनाऊंगी। मैंने लोई की तरह काट ली है, फिर इसे एक रोटी की तरह गोल सा बेल लेंगे। रियल को इस तरह से फैला लिया है, अब इसे रोल कर देंगे। ये देखिए, हमने इसमें बेल करके ऐसे फोल्ड करके साइड साइड में मोड़ दिया जिससे कि दाल इसका बहे ना। देखिए, इसमें डाल देंगे। अब ये आराम से खौलता रहेगा, 10 मिनट के बाद इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने इस तरह से पीस उसके काट लिए हैं। अब इसे फ्राई कर देंगे। कढ़ाई में तेल डाल दिया है, इसमें राई और करी पत्ता से तड़का दे देंगे। फिर सारे फरे को, कटे हुए फरे को इसमें फ्राई कर लेंगे। हल्का सा नमक ऊपर से डाल देंगे और हल्की मिर्ची से। ये देखिए, हमारे फरे बन के तैयार हैं। तड़का दे दिया था, कटके से फ्राई कर लिया और इस तरह से है। आप इसे किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। वैसे हरी चटनी के साथ ज्यादा अच्छा लगेगा, खाने में अच्छा लगेगा, तीखा रहेगा। इसलिए रही हरी चटनी जिसे मैंने सिलवट पे पीसा है।